हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार, मैं आपका स्वागत करता हूं बियॉन्ड द टेक्निकल्स विद कुणाल में। आज हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे एंड कल की रणनीति के बारे में बात करेंगे कि आप कल कौन से स्टॉक पे वॉच रख सकते हो एंड अच्छा खासा मुनाफा आप कर सकते हो। दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि फार्मा इंडेक्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली है एंड फार्मा स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में हमें लग रहे हैं। जहाँ पे मार्केट हमें एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, वहाँ फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड लग रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर की मूवमेंट हमें फार्मा स्टॉक्स में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इन फार्मा स्टॉक्स में से हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे एंड दैट्स ऑरो फार्मा। तो आइए इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों, आप यहाँ पे ऑरो फार्मा का चार्ट देख सकते हो कि कैसे ऑरो फार्मा ने एक वी शेप फॉर्मेशन बनाया था एंड वो फॉर्मेशन बनाने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ऑरो फार्मा में देखने को मिली। दोस्तों, जैसा आप यहां पे एक रेड डॉटेड लाइन देख सकते हो कि ये रेड डॉटेड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ऑरो फार्मा ने हमें लगातार ऊपर की मूवमेंट हमें स्टॉक में आते हुए दिखी है। जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है 617 का, वो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक ने नीचे में 300 तक के डाउनसाइड के मूवमेंट हमें दिखाए, लेकिन जो वी शेप रिकवरी हमें स्टॉक में आते हुए दिखी, वापस स्टॉक अपना जो प्रीवियस टॉप है 617 उसके ऊपर सस्टेन हुआ एंड सस्टेन होने के बाद वापस एक हमें माइनर करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा। आप यहाँ पे देख सकते हो माइनर करेक्शन एंड एक माइनर कंसोलिडेशन भी हमें स्टॉक में दिखा है एंड कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे स्टॉक ने हमें एक ऊपर की मूवमेंट दिखाई है। एंड दोस्तों, अगर हम इंडिकेटर वाइज इस लेवल पे बात करें तो आप ये देख सकते हो जो रेड लाइन है जो स्टॉक के अराउंड है, ये अपर बैंड एंड ये लोअर बैंड, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये एक बॉलिंगर बैंड है, अपर बॉलिंगर बैंड एंड लोअर बॉलिंगर बैंड एंड पिछले लगातार तीन ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ने ऊपर की बॉलिंगर बैंड के ऊपर अपना क्लोजिंग दिखाया है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि यहाँ से हमें और भी ऊपर की मूवमेंट स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये तो रही इंडिकेटर वाइज, आइए हम एक दूसरे इंडिकेटर के बारे में भी बात करते हैं एंड दैट्स RSI। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फुल चार्ट लिया हुआ है RSI का। RSI अभी 72 अराउंड ट्रेड कर रही है एंड उसकी जो एवरेज है वो 68 अराउंड है। नो डाउट इट्स इन ओवरबॉट जोन, बट दोस्तों लग रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर की मूवमेंट RSI में हमें देखने को मिल सकती है एंड एक स्पेस अभी भी है RSI में जिसके बेस पे स्टॉक हमें ऊपर की मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों, मैंने RSI का चार्ट यहाँ पे इसलिए बड़ा किया ताकि मैं आपको RSI पे जो फॉर्मेशन बना है वो बता सकूं। ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट पैटर्न सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या लाइन चार्ट या बार चार्ट के ऊपर ही बनता है, कई बार फॉर्मेशन इंडिकेटर्स के ऊपर भी बनते हैं एंड वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। दोस्तों, ये फॉर्मेशन देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मैं किस फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। RSI के ऊपर हमें फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है एंड लग रहा है कि ये फॉर्मेशन ब्रेकआउट के बाद हमें और भी ऊपर की मूवमेंट पर्टिकुलरली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नो डाउट अगर फ्लैग फॉर्मेशन की बात करें तो इसके हिसाब से जो टारगेट एंड जो SL बैठना चाहिए हम इंडिकेटर के ऊपर नहीं बिठा सकते, लेकिन हाँ, इंडिकेटर के बेस के ऊपर जो ब्रेकआउट हमें इंडिकेटर में दिखा है उसके बेस के ऊपर हम जरूर ये कह सकते हैं कि स्टॉक में हमें ऊपर में कहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एक फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट हमें RSI में भी आते हुए दिखा है। आइए दोस्तों, एक दूसरे फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं एंड दैट्स ऑन बैलेंस वॉल्यूम, OBV। इन शॉर्ट फॉर्म इट्स OBV। नॉर्मली दोस्तों, OBV में क्या होता है कि जैसे जैसे स्टॉक का मूवमेंट देता है एंड कैसे वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा चार्ट आप देख सकते हो कि कैसे वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। सपोज प्राइस नीचे आ रही है नेगेटिव वॉल्यूम के साथ तो OBV हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट दिखाएगा। सपोज प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम के साथ तो OBV हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है। आइए हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि OBV एक कैसे इंडिकेशन दे रहा है हमें ऊपर के लेवल की मूवमेंट की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हो कि OBV फिलहाल एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ अभी ट्रेड कर रहा है एंड जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। दूसरे एक फॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, जो OBV में बना है।
दोस्तों ये जो फॉर्मेशन बना है वो फॉर्मेशन का नाम है कप एंड हैंडल। यस, इंडिकेटर के ऊपर भी काफी अच्छे फॉर्मेशन बनते हैं एंड उसके ऊपर स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ओबीवी में हमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ ये टॉप से लेके ये बॉटम तक हमें जो डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिली है, हमने चार्ट के ऊपर ऑलरेडी वो दिख हमने ऑलरेडी चार्ट के ऊपर वो दिखा है कि कैसे स्टॉक में एक डाउनसाइड की मूवमेंट मिली थी एंड उसके साथ साथ कैसे स्टॉक ने ओबीवी ने ओबीवी में हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे स्टॉक ने एक गेनिंग मोमेंटम गेन किया एंड उसके बाद ओबीवी में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टार्ट हुई दिखी। आप देख सकते हो कि कैसे अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक सपोर्ट लिया है, ये एक बार है, ये दो बार है, तीसरी बार है, यानी कि थर्ड बार जब उसने सपोर्ट लिया तो एक काफी अच्छा उछाल हमें ओबीवी में आते हुए दिखा है। ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें ओबीवी में आते हुए दिखा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक में हमें यहाँ से और भी ऊपर की मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों हम तीनों चार्ट को एक साथ क्लब करते हैं, बॉलिंगर बैंड को करते हैं, ओबीवी को करते हैं एंड आरएसआई को करते हैं एंड चार्ट के ऊपर क्या फॉर्मेशन बना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जैसे हमने एक फॉर्मेशन दिखा था आरएसआई के ऊपर, सेम फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। फ्लैग फॉर्मेशन दैट्स इंडिकेट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मूवमेंट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपर बॉलिंगर बैंड के ऊपर लगातार 3 दिन से क्लोजिंग आ रहा है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे स्टॉक ने फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है एंड वो भी एक ब्रेकआउट विद द ओबीवी एंड ब्रेकआउट विद द आरएसआई। तो कहीं ना कहीं ये तीनों इंडिकेशन एक अपसाइड की मोमेंटम का इंडिकेशन हमें दे रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो कि ओबीवी की हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, आरएसआई की भी हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, जिस हिसाब से अभी आरएसआई में फॉर्मेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे फॉर्मेशन के बेस पे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें ऑरो फार्मा में और भी ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस लेवल पे अगर प्रेजेंट लेवल की बात करें तो 730 अराउंड ऑरो फार्मा का क्लोजिंग है। अगर कोई भी डिप आता है अप टू द लेवल ऑफ 710 या 690, लग रहा है कि नो एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेके चलना चाहिए, वहाँ एक अच्छी खासी मोमेंटम उस लेवल से हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है एंड जिस हिसाब से मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट इंडिकेट कर रहा है, एक इनिशियल लेवल हमें ऊपर की तरफ 810 का देखने को मिल सकता है एंड लोअर लेवल पे फिलहाल अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लोअर लेवल पे फिलहाल हमें समवेयर अराउंड 640 का काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि कैसे रिसेंट में ये जो कैंडल आप देख सकते हो, एक लॉन्ग बुल कैंडल, उसने 21 डीएमए का सपोर्ट लिया हुआ है। मूविंग एवरेज वाइज भी ये स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद भी स्टॉक में काफी अच्छे उछाल आया है। तो 640 का काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल स्टॉक में हमें आते हुए दिख सकता है। 730 का क्लोजिंग है, अगर स्टॉक नीचे 710 690 तक आता है तो लग रहा है कि वहां से काफी अच्छा बाउंस बैक हमें स्टॉक में आते हुए दिखेगा एंड ऊपर के मोमेंटम की बात करें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 800 से 810 की अपर साइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। और भी आने वाले दिनों में हम और भी टेक्निकल पैटर्न्स को लेके, चार्ट पैटर्न्स को लेके, इंडिकेटर्स को लेके बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल फॉर मोर अपडेट्स अबाउट चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल पैटर्न्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।